हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएचओ सैलरी की। राजस्थान में सीएचओ को कितनी सैलरी मिलती है? सीएचओ मतलब है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की टोटल सैलरी कितनी मिलेगी? आप सबको पता है कि सीएचओ का जोन वाइज पूरा रिजल्ट है वो अपडेट हो चुका है। उनकी ज्वाइनिंग के बाद पहले महीने से कितनी सैलरी होगी राजस्थान में, अगर आपको भी देखना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं पूरा दिखाऊंगा कि आपको पहले महीने से कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या प्रोसेस वो होगी। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सीएचओ भर्ती 2020 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जोन वाइज रिपोर्टिंग आदेश। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है आपके सामने और इसमें हम पूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि बिना मतलब के नोटिफिकेशन आएंगे वरना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सीएचओ के 7810 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 31 अगस्त 2020 को जारी कर आवेदित अभ्यर्थियों की 10-11 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर दस्तावेज सत्यापन उपरांत विज्ञप्ति, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसमें आप सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो आप इस सैलरी आप देख सकते हैं 7900 प्रतिमाह दे होगा, तो मानदेय है दोस्तों आपको पहले महीने की सैलरी है वो 7900 रुपये ही मिलेगी। कई बंदे बोल रहे हैं या सोच रहे हैं कि 25,000 रुपये हमको पहले महीने से मिल जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 7900 रुपये ही सैलरी होगी आपकी पहले महीने से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त अभ्यर्थियों को इस अवधि में एनएचएम के जीएनएम पद हेतु पीआईपी में स्वीकृत समेकित मानदेय 7900 रुपये प्रतिमाह देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वित्तीय प्रतिलाभ देय नहीं होंगे। संबंधित सीएमएचओ इस मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार से कोविड-19 के स्पेशल बजट से प्राप्त राशि से किया जाएगा। कोई यात्रा भत्ता है वो भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। और किस प्रकार आपको पूरी ज्वाइनिंग की है, पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप पूरी चीज़ देख सकते हैं। जोन वाइज रिपोर्टिंग क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वो सब चीज़ें भी इसमें दे रखी हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें मेरे बताने लायक कोई चीज़ नहीं है, मैंने आपको पेमेंट बता दिया है। पेमेंट है वो लगभग 7900 रुपये ही मिलेगा 2 साल तक, उसके बाद जब स्थायी कर दिया जाएगा तब आपका मानदेय है वो 25,000 रुपये होगा, लेकिन पहले आपका सिर्फ 7900 रुपये ही मानदेय होगा, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में सीएचओ की सैलरी है वो 7900 रुपये प्रतिमाह ही दे होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।